नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। बिजनौर में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पत्र रैली की। रैली से पहले जयंत चौधरी ने औरंगजेब विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव औरंगजेब या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं, यह चुनाव परिवर्तन और विकास कराने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी अभियान को धार देने में जुटे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बिजनौर के चंद्रपुर में आशीर्वाद पत्र रैली की। रैली से पहले पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए औरंगजेब और पाकिस्तान मुद्दा नहीं है, यह चुनाव विकास और सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरएलडी गठबंधन पर भी अपनी राय स्पष्ट की। देखिए, चांदपुर में बहुत ही उत्साह था आज। जितने पहले कार्यक्रम चांदपुर में हुए, मुझे लगता है आज सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए पब्लिक ने। ये एक संकेत है, शुभ संकेत है पार्टी के लिए। यूपी के लोग तरक्की चाहते हैं। ये चुनाव औरंगजेब के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ नहीं, ये विकास का चुनाव है। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों में। पिछला चुनाव भी हम उनके साथ मिलकर लड़े थे, कर रहे हैं, जीतते हैं। धन्यवाद। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली में कहा कि जिस तरह जनसभा में लोग आए हैं, यह सत्ता परिवर्तन का संदेश है। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। किसानों के लिए पगड़ी विशेष स्थान रखती है। केंद्र सरकार किसानों की पगड़ी का सम्मान नहीं कर रही है। मनसा सिंह जो आपके प्रतिनिधि आए, उन्होंने पगड़ी बांध दी है। ये पगड़ी मैं मानता हूँ क्योंकि एक आदमी की तरफ से नहीं, व्यक्ति की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से नहीं, और इस पगड़ी में बहुत बड़ा सम्मान है, विश्वास है। मेरे लिए और मंच के लिए बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद आपने दिया है। मैं आभार तो नहीं दे सकता, क्योंकि परिवार में, घर में कोई धन्यवाद नहीं करते आपस में, लेकिन मैं अपना जो प्रण है, संकल्प है कि जिस आशा के साथ आप आज हमारी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, संघर्ष करो, आपके उन भाव की मैं कदर जीवन भर करूंगा। हमें और आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। जयंत चौधरी ने रैली में चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसान कल्याण के लिए कई कार्य किए। जयंत चौधरी ने कहा कि एक साल से किसान तीनों कृषि कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार कानून वापस लेने के बजाय किसानों का दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब कुछ समय बचा है और किसान अपना एक एक हिसाब लेंगे। जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय लोक दल की सरकार बनी तो वरिष्ठ नागरिकों को 3 गुना पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य मैंने बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होता सरकार, ये तो हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे, अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे तो बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, समाज के कार्य क्षमता पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अस्पताल पे बोझ नहीं पड़ेगा। ये तो आगे की बचत है। जो एक एक पाई हम आज खर्च करेंगे, गांव तक डॉक्टर तक, डॉक्टर और दवा पहुंचाने में ये काम 10 20 30 साल तक को निवेश आएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।